टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है। मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं, बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटो होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना, एटा एटा, जरा जोर से बोलिए एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई, टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना। हम देश की हर महिला को उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं। बंगाल सरकार लाखों एप्लीकेशन लटकाए हुए हैं, टीएमसी का कहना है एटा एटा होते देवो ना, एटा होते देवो ना। मोदी ने हर गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी। अब हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को बीमारी में मुफ्त इलाज देंगे, लेकिन टीएमसी बंगाल में आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दे रही है। टीएमसी कह रही है एटा 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 होते देवो ना। साथियों, टीएमसी की जीत का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों फिशरमैन को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मत्स्य पालकों को, फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। यहां रायडीगी में हमने फिश कल्चर सेंटर दिया, हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया, लेकिन टीएमसी सरकार का यहां भी वही रवैया, एटा 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 होते देवो ना। टीएमसी बंगाल में फिशिंग से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है। इससे फिशरमैन को इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है, बीमा नहीं मिल रहा है।
लेकिन टीएमसी वालों को आपकी चिंता नहीं है, इनको तो अपने तोलाबाजों और कट मनी सिस्टम से मतलब है। ऐसी टीएमसी को जरा मुझे पूरी ताकत से बता दीजिए, देश पूरा आपको देख रहा है, क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा देंगे? आप टीएमसी को सजा देंगे? कड़े से कड़ी सजा देंगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया कर देंगे? साथियों, इस क्षेत्र में नदी कटान रोकने के लिए हमारी सरकार पैसे भेजती है, वो पैसा टीएमसी खा गई। इनका एक ही एजेंडा है, इनको हर चीज में काट मानी चाहिए, इनको तो काट मानी चाहिए।